नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पोला त्योहार एवं गोदमर मेला को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विक्रय संधारण एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर पांडुना अजय देव शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी अजीत इक्का के आदेश अनुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी जीएल मरावी के मार्गदर्शन में दिनांक 29/8/24 को ग्राम जतलापुर दूधा एवं उमरी कला ग्रामों में दबिश दी गई, जहां से 10 कुंटल महुआ लाहन एवं अलग अलग स्थानों से 70 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(ज) के तहत मामला कायम किया गया। बता दें कि सौसर व आसपास के क्षेत्र में कच्ची शराब को कई बार पकड़ा गया है, लेकिन शराब माफिया फिर भी बाज नहीं आते हैं। कच्ची शराब की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। पूरे देश से कच्ची शराब के कारण लोगों के मरने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन शराब माफिया है कि बाज नहीं आते हैं। यही वजह है कि त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस ने कच्ची शराब मामले में सख्ती बरती है और कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस इसी तरह मुस्तैदी दिखाए तो कच्ची शराब का कारोबार करने वाले माफियाओं के अंदर डर का माहौल व्याप्त हो सके। वहीं उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार नागेश एवं आबकारी आरक्षक अमृत खव से मुकेश कुमार एवं श्रद्धा राहंगडाले उपस्थित रहे। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।